जनरली लड़कियों में तीन चीज़ों की क्या कमी है हमारे इस मुल्क में? कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम उनका थोड़ा कम होता है, एंड आई डोंट थिंक देयर दैट डेयरिंग. मुझे आप अच्छी लगी हैं. इट्स अ यस. इट्स अ यस. नंबर्स बड़े अच्छे थे. दैट इज कोमल. वेलकम टू द शो कोमल. यू आर द फोर्थ फाइनलिस्ट ऑफ मिस वीट पाकिस्तान 2017 इस्लामाबाद ऑडिशन. I'm Komal from Islamabad. I'm 19 और मैं इस्लामाबाद से मिस वीट 2017 की फाइनलिस्ट हूँ. बचपन में मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट मीडिया की तरफ चला गया और अब मैं फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है. मेरे दूर दूर तक कोई लिंक्स नहीं इस इंडस्ट्री से, एंड आई हैव नो आइडिया हाउ थिंग्स आर डन इन दिस इंडस्ट्री. तो मैं बस एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती हूँ जो मिस वीट मुझे देगा थ्रू आउट द जर्नी. अगर मैं मिस वीट 2017 का टाइटल जीत जाती हूँ तो सबसे पहले मैं और अपनी मामा को लेके जाऊंगी बैंकॉक, जो मुझे टिकट्स मिलेंगी एज अ प्राइज. और अगली कंटेस्टेंट है कोमल. कोमल, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में आपकी पहली मीटिंग है विद योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, and your time's up. कपड़े सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मिनट था. शर्ट तो मैंने बहुत अच्छी डिसाइड कर ली, एकदम नज़र आ गई, लेकिन जो मेरा बॉटम था वो मुझे नज़र नहीं आया और आई जस्ट रैन ऑफ टू गेट सम एक्सेसरीज. और फिर उस कन्फ्यूजन में और उस नर्वसनेस ने मैंने एक्सेसरीज भी गलत पिक कर ली. तो बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करूँ. That's totally setting me off. मतलब top half is fine, लेकिन lower half is throwing me off completely. Unfortunately, अच्छे comments नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं बहुत positively उन सब judges के comments को ले रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी पता था कि मेरी jeans ठीक नहीं है और मैंने watch नहीं पहनी, जो कि अगर आप एक business meeting में जाओगे तो वो बहुत important होती है आपके लिए. I don't understand the shades. Jeans तो चलो completely off. All I understand is the shirt. Thank you, Emma. अगली कंटेस्टेंट कोमल रिंग में पहुंच चुकी है. कोमल, यू जस्ट हैव वन मिनट. तीस सेकेंड का वक्त गुजर चुका है कोमल. जब मैं रिंग में आई एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी अ लिटिल लीनियंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. वो हम सब के साथ काफ़ी फेयर थे, उन्होंने हम सबको ही काफ़ी टफ टाइम दिया. सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, एंड योर टाइम्स अप कोमल. थैंक यू. आपके पास अगर दो चांसेस हो, या तो ये चैलेंज करने का या इस कंपटीशन से अपने आप को दस्तबरदार करने का, विथड्रॉ करने का, आप दोनों में से क्या चूज करेंगी? चैलेंज करने का. फैंटास्टिक, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट. एंड कोमल, यू जस्ट हैव वन मिनट फॉर दिस चैलेंज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. और अगर आपने अपना हाथ बाहर निकाला तो नेगेटिव मार्किंग होगी. कोमल नहीं करो. कोमल बी वेरी केयरफुल. कोमल बी केयरफुल. दूसरा हाथ आपका आपका दूसरा हाथ बिल्कुल काम में नहीं आ रहा. कोमल, कोमल मूव योर हैंड अराउंड. नीचे नीचे. कोमल 30 सेकंड का वक्त गुजर चुका है. करें दूसरा हाथ. स्लाइमी सॉफ्ट. इट्स स्लाइमी, इट्स सॉफ्ट. देन व्हाट इज इट? अ स्नेक? और नहीं नहीं, स्नेक नहीं है, इट्स समथिंग एल्स. 5 4 3 2 One and your time's up. How does it feel, Komal? It feels good. Oh no! इतने bright dress के साथ इतना dull nail color. What to do now? मेरे लिए इसका solution है मेरा weight nail color remover. अब नई packaging के साथ. So girls, no more run-on broken nails. और ये बनाया आपके nails को shinier, cleaner and stronger. So bye bye manicures. Hello weight nail color remover. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं कोमल आप? ठीक बिल्कुल. देखिए आपने क्या किया है, चलिए दिखाएं. तो तुम्हारा भी कोई डोमेस्टिक से? इज दिस एजुकेशन?
एग्जाम स्ट्रेस के बारे में है कि आजकल जो बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता उनको सोसाइटी से कितना प्रेशर मिलता है, पेरेंट्स से कितना प्रेशर मिलता है। आप इससे क्या समझाना चाह रही हैं, ये मुंह में क्या है? ये मुंह में मैंने बुक्स के पेजेस रखे थे क्योंकि अक्सर स्कूल्स में भी इवन टीचर्स हमारे कहते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये भी याद कर लो वो भी याद कर लो, ये बुक वो बुक, तो मतलब इतना प्रेशर हो जाता है कि एग्जैक्टली ठूस दें हम अपने मुंह में कि हम उसको जज्ब कर लें हम क्या करें। अच्छा कोमल, इसमें ये जो सुसाइड वाला फैक्टर है वो वाजे है, शॉर्ट ऐसा होता है जिसमें वाजे होता कि ये बुक्स हैं पेपर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ का वो पूरा है सिनेरियो, वो चीज़ें क्लियर इतनी नहीं हो रही। मुझे और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कुछ इसमें। I like the expressions. ये ज़्यादा communicate ये कर रहा है concept को। किताबों का बोझ है, पढ़ाई का बोझ है, आप उस बोझ की तरह दब गई हैं, stress है, नज़र आ रहा है। मेरे लिए पता है पहला image भी it was captivating, but it is captivating, मुझे थोड़ा communicate नहीं कर रहा कि जो issue है उसको सामने नहीं लेकर आ रहा है। मुझे क्या चीज़ समझ आई? मुझे एक अच्छी बात लगी कि मुंह वाला ठूस दिया है मेरे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज कल की बच्चियों को ये पता है कि अवेयरनेस किस किस चीज़ में होनी चाहिए, उनको इश्यूज के बारे में पता है। थैंक यू।